ना झुकती है ना थमती है, ना टूट के बिखरती है, हर पल मुंबई तू जीते जी त्योहार है। ए मुंबई तू शहर नहीं है, प्यार है। तेरे समुंदर की लहरों में मैंने सुकून को पाया है, तेरी बरसातों ने तन्हा मौसम में जुनून को सजाया है। मरीन लाइंस और बांद्रा वाली सीलिंग में बसती है तू, सबके सपनों को अपना समझती है तू, यहां आने वाले हर इंसान की तू यार है। मुंबई तू शहर नहीं है, प्यार है। मुंबई तू शहर नहीं है, एक भव्य त्योहार है। एक बार मुंबई के लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। मुंबई के अनोखे रंगों को अपने बड़े से कैनवस पर मुंबई फेस्टिवल में हम बखूबी सजा रहे हैं। 20 जनवरी के दिन शुरू हुआ इस ये फेस्टिवल और आज इस कल्चरल कार्निवल का छठा दिन है। सपनों का गेटवे हमारे पीछे है और हम यहां पर जश्न मना रहे हैं। मुंबई की रियल स्पिरिट, उन हीरोज की कहानी और उनके जज्बे का, जिनकी वजह से मुंबई दिल बन के धड़कती है। ना आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन है ये हीरोज, इनकी पहचान क्या है। वेल, ये हीरोज ध्रुव तारे की तरह हैं। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, ये बिना जताए बस अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ये समाज के वो मार्गदर्शक हैं जो हर दिन सफलता के नए रास्ते दिखाते हैं और हर मुंबईकर का सफर आसान बनाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले लेट्स थैंक आवर पार्टनर्स, जिनकी वजह से मुंबई फेस्टिवल इतना ग्रैंड और एग्जेम्पलरी बन पाया है। तालियां हो जाएं फॉर आवर पार्टनर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। फेस्टिवल क्यूरेशन एंड मैनेजमेंट डन बाय द वंडरफुल विजक्राफ्ट। मुंबई पार्टनर्स, टाटा पावर, पावरिंग मुंबई फॉर मोर देन 100 ईयर्स, हैशटैग दुनिया अपने हवाले एंड ONGC। बैंकिंग पार्टनर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रोग्रेस पार्टनर, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंक्लूसिविटी पार्टनर, एरियन ग्रुप। स्ट्रेटेजिक पार्टनर, साइनपोस्ट इंडिया। किसी एक से नहीं चलती, उन जैसे अनेक हाथ हैं जो इसे चला रहे हैं, लेकिन जब तक मन की बात होठों पर आती वो वहां से चले गए। तो दोस्तों आज मुझे मौका मिला है जिसे मैं बिल्कुल गवाना नहीं चाहता। Very big thank you to all our dignitaries for doing the honors. कि क्योंकि हमने इसके इसके पोस्टर्स पोस्टकार्ड देखा था, इसकी तस्वीरें देखी थी, हमने हिंदी पिक्चरों में उसको देखा था, तो आई थिंक ये बहुत ही एप्ट लोकेशन है मुंबई फेस्टिवल के लिए। और मैं खुद यहाँ पे बहुत गर्व और एक्साइटेड हूँ इस मंच पर आके, क्योंकि आई थिंक मुंबई वो इकलौता शहर है जिसमें वो दूध का प्याला होता है, जितनी चीनी मिलाओ मिल जाती है। मैं भी एक दिल्ली का लौंडा जो आया था इतने साल पहले बम्बई, मुंबई ने मुझे घर दिया, मुझे काम दिया, प्यार दिया, तो बहुत ही अच्छा लगता है, अपना घर बन गया अभी। एंड वी आर रियली एक्साइटेड हियर विद माय ओल्ड टीम ऑफ इंडियन पुलिस फोर्स एंड रोहित शेट्टी जी एंड अमेजॉन प्राइम। एंड उम्मीद करते हैं कि हम ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम देखने आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं लोग इस प्रोग्राम के साथ हमारा शो भी देखें। मुंबई में, मैं भी दिल्ली का हूँ, कई साल रह चुका हूँ यहाँ पर, तो मैं समझ सकता हूँ आपका सेंटीमेंट, पर मुंबई में आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? अरे वाह, बहुत मुश्किल है। आई थिंक मुंबई में इतने सारे स्ट्रगलिंग डेज से लेकर यहाँ तक इतने सारे हैंग आउट रहते हैं, आई थिंक जो नजारा आपको यहाँ पे दरिया के किनारे मिलता है, एटलीस्ट जब हम बाहर से आते हैं, जैसे दिल्ली से आते हैं, तो बिल्कुल आई थिंक द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू गो इज कि यार अच्छा वो सी साइड में मरीन ड्राइव पे देखना, वहाँ पे रात को वॉक करना या ड्राइव पे जाना, मेरे लिए आई थिंक वो एरिया बहुत स्पेशल है, बहुत आइकॉनिक है। तो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू चूज, आई थिंक जहाँ हम आज है ये मौका, ये नज़ारा और कहीं नहीं मिलता है सिवाय मुंबई के,
सो आई थिंक मेरा पर्सनल फेवरेट मरीन ड्राइव होगा, बट जी आई कैन बी बायस टू अदर प्लेसेस, वेरी बहुत बहुत सारी सुंदर जगह है, खूबसूरत जगह है. एक्सपीरियंस अबाउट प्लेइंग अ कॉप, सच अ ब्यूटीफुल कॉप, इंटिमिडेटिंग कॉप, एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस लवली सीरीज कॉल्ड इंडियन पुलिस फोर्स. नमस्कार. किरदार तो वैसे बहुत सारे प्ले किए मैंने जिंदगी में, लेकिन इस किरदार को प्ले करते वक्त एक अलग ही प्रेशर था मेरे शोल्डर पे, और रिस्पेक्ट बढ़ गई हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए. वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट हीरोज पंजालकर सर सिटिंग राइट हियर, ही नोज आई हैड मेनी अ कॉन्वर्सेशंस विद हिम, और जिस तरीके से अनकंडीशनली और selflessly they work to keep us happy and safe is just commendable. So hum aaj celebrate kar rahe hain hamare unsung heroes ko, to aaj mauka hai unko ek bade se round of applause ke sath celebrate karne ka. To tahe dil se shukriya ada karna chahungi. I felt extremely proud, nothing, always being wonderful, always just being true to the character, being true to what you have to do. Vardi pehenkar, jab aap perform karte hain, police ka kirdaar nibhate hain, to matlab andar se kya feeling aati hai, kya preparation karni padti hai, how does it feel like? Sabse pehle to I want to give a big shout out to Mumbai, the spirit of Mumbai. Look at this packed crowd and how everybody is celebrating tonight. You guys are awesome, man. Amazing. The Mumbai ka spirit is alive and well. It's a amazing city with great turnout, great talent, so many heroes in the audience here, some personal friends and heroes here too. Devin Dada, one of the most dynamic politicians I've known, Deepak Bhai Kesarkar, Girish Bhai, Mangal Prabhat Ji, Anand Mahindra, somebody I always follow on social media and so many advice in life, Vivek Pansalkar Ji, these guys are true heroes. Yaar, Vardi ka ek kamal kuch aisa hai is khaki ka. वो पहनते ही एक अलग शक्ति आ जाती है, एक अलग ताकत आ जाती है, एक सेंस ऑफ नोबिलिटी एंड करेज आ जाती है. हम हमेशा ये महसूस करते हैं, रोहित भाई और मैं ये डिस्कस कर रहे थे कि हम रियल हीरोज हैं, रियल लाइफ हीरोज, लेकिन ये रियल लाइफ हीरोज हैं हमारी खाकी में, जो हमारी सुरक्षा खाकी रहते हैं. हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है. कितने साल से हो विक्रम की टीम में? यही कुछ 3 साल ना. फिर मैंने सही सुना है तुम्हारे बारे में. अभी जान गवाई. इट इज पर्सनल एंड इट शुड बी वेरी पर्सनल. इस जंग की सिर्फ शुरुआत हुई, तुम जीतना भी बाकी है. Get that monster. Give him a picture. Give him a look. बात पुलिस की आती है, जब फोर्स की बात आती है तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं किस साइड में हूँ, कि मैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या मैं फोर्स की तरफ से बात कर रहा हूँ. तो आज भी ऐसे ही कुछ है. हमारे हीरोज, जो रियल हीरोज है, वो आए यहाँ पर स्टेज पर और आप सभी ने आप सब सभी के साथ उन्होंने मुलाकात की. लेकिन अब स्टेज पे मैं कुछ रियल हीरोज को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि बात हम कर रहे हैं मुंबई की, मुंबई की स्पिरिट की. तो ऐसी एक हीरो है जिन्हें मैं जानता हूं, मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी को. मुंबई की स्पिरिट की बात हो रही है, मैं भी मुंबई का हूँ, मुंबई में पला बड़ा हूँ, पैदा हुआ हूँ. अगर लोग ऑटो में आए तो भाई हमारे साइकिल पे आ गए. घर का अपनापन और प्यार भी डिलीवर करते हैं. घड़ी के कांटे रुक सकते हैं, लेकिन ये रुकना नहीं जानते.
मुंबई की रफ्तार से कदम मिलाते हैं, इन्हें सब टाइम मैनेजमेंट गुरु भी बुलाते हैं। मुंबई के डब्बे वालों के लिए जोरदार ताली बजाओ। अनाउंसर जेंडे की अनाउंसमेंट की बदौलत ही टेररिस्ट आती हुई ट्रेन पर अटैक नहीं कर पाए। बहादुरी साहस और अदृश्य रहकर मुंबई के दृश्य को संवारते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। पहले रखना और आखिरी दम तक दूसरों के लिए जीना, यही है इनकी पहचान। जिंदा रखते हैं मुंबई को देकर अपनी जान। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर द मुंबई फायर ब्रिगेड एंड द फायर फाइटर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। आज जो मंच पर चल के आए हैं उनकी वजह से मुंबई चल भी रहा है और दौड़ भी रहा है।